नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मोदी मंत्रिमंडल का अगले 2-3 दिन में हो सकता है मेगा विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले 1-2 दिन में विस्तार किया जा सकता है। यह फेरबदल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले 5 साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार होगा। इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस से उनके मतभेद की वजह से पिछले साल भाजपा को मध्य प्रदेश की सत्ता वापसी में मदद मिली थी। इनके अलावा सर्बानंद सोनोवाल को भी मौका मिल सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस विस्तार में कई मौजूदा मंत्रियों को हटाया जा सकता है। अभी 9 मंत्रियों के पास 1 से ज्यादा विभाग है। इनमें प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हर्षदीप सिंह पुरी शामिल हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पर पार्टी आलाकमान मेहरबान, जल्द मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह खत्म करने के लिए पार्टी आलाकमान की तरफ जल्द बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू पर मेहरबान नजर आ रहा है और उन्हें जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी आलाकमान पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की कोशिश में है। इसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की है। नवजोत सिंह सिद्धू अभी दिल्ली में मौजूद हैं और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। हालांकि सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू से नाराज चल रहे हैं और सोनिया गांधी से अब तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। नौकरशाही से नाराज नीतीश के मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आहत। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सहनी ने नौकरशाही से नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। मदन सहनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोग बरसों से तानाशाही झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सहनी ने कहा कि इसलिए अब हमने मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हम केवल सुविधा लेने के लिए नहीं बैठे हैं। पार्टी से इस्तीफा देने के सवाल पर सहनी ने कहा कि हम पार्टी में बने रहेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सारे रिकॉर्ड टूटे, 6 साल बाद जुलाई में पड़ी भीषण गर्मी। जुलाई के पहले दिन लोगों को भीषण गर्मी से जूझना पड़ा। उमस के साथ तापमान 40 डिग्री पहुंच गया। 6 साल बाद जुलाई में पारा इतना चढ़ा है। इससे पहले वर्ष 2015 में 5 जुलाई को पारा इतना चढ़ा था। अभी सप्ताह भर इसमें राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने सप्ताह भर बाद झमाझम बारिश के आसार व्यक्त किए हैं। इस दौरान लोगों को उमस से परेशान होना पड़ेगा। आर्द्रता 64 से 55% के बीच होने के कारण रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। न्यूनतम तापमान भी 30.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक था। पुलवामा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 1 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना का 1 जवान शहीद हो गया। पुलवामा में कल रात से ही एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को इलाके में घेर लिया है और उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के राजपुरा के हाजिन गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। भारतीय सेना ने मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग के दौरान 1 जवान शहीद होने की पुष्टि की है। कश्मीर जोन के पुलिस अधिकारियों के अनुसार मुठभेड़ के दौरान जवान को गोली लगी थी, जो अस्पताल में इलाज के दौरान जवान शहीद हो गया। अधिकारियों ने बताया कि एनकाउंटर में 1 आतंकी भी मारा गया है। यूएई ने लाखों भारतीय नेपाली कामगारों को दिया बड़ा झटका, यात्रा पर लगाया बैन। संयुक्त अरब अमीरात ने देश में काम करने वाले लाखों प्रवासी कामगारों को बड़ा झटका दे दिया। यूएई ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, नामीबिया, जाम्बिया समेत कई देशों के नागरिकों की यात्रा पर बैन लगा दिया। यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यात्रा सीजन की शुरुआत में कोरोना से बचाव के सभी उपाय अपनाने होंगे। यूएई ने पिछले महीने ही 13 देश से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूएई के जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपने नोटिस में कहा कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल समेत 13 देशों से यात्रा पर प्रतिबंध कोरोना महामारी को देखते हुए लगाया है। यूएई ने 19 जून को कहा था कि जिन लोगों ने पिछले 14 दिनों में भारत की यात्रा करने वाले लोगों पर बैन लगाए
उन बैन में ढील दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।